मम्मी। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज मेरा ऐसा प्रोग्राम है कि मैं मम्मी वापस जा रहे हैं नोएडा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे हमने मार्केट वगैरह देखा था। यहाँ पे मैं आया था, मैंने कॉलेज में कोई व्लॉग बनाया नहीं, बिल्कुल एग्जाम था, सब एग्जाम में बिजी थे, हमें ज़्यादा टाइम मिला नहीं। तो अभी मेरा ऐसा प्रोग्राम है कि अभी बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं और हमारा 1 बजे के समथिंग मेरा जाने का प्रोग्राम है। बट उससे पहले मेरा क्या है ना, कल मम्मी हम लोग जो साड़ी लेने गए थे ना उस दिन, तो उस वाले जो आपने व्लॉग पहले इससे पहले वाले व्लॉग में जो देखा होगा, साड़ी लेने गए थे यार, वो साड़ी हमने डाली थी फिटिंग वगैरह के लिए, सारे काम करने के लिए। कल मैं रात को गया था लेने के लिए मम्मी के साथ में, वो जो है मम्मी वहीं भूल गए किसी दूसरे शॉप पे। हमने उसे कॉल वॉल कर लिया, पता कर लिया भाई उसके पास ही है वो। तो अब मैं जा रहा हूँ 1/2 घंटे के अंदर उस साड़ी को वहाँ से लेके आऊँगा और फिर यहाँ से निकल जाएंगे लमसम 1 बजे के समथिंग हम लोग, और बस से जा रहे हैं, बस से आए थे। तो बाकी चेरी बीमार हो गई थी, 202 बुखार आ गया था इसे, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगा दिए इसको, कुछ दवाई दे दी, कुछ खा नहीं रही थी 5-6 दिनों से। तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खाया है इसने, एप्पल वगैरह खा लिए और बाकी चीज़ें, तो ठीक है फिलहाल पहले से। सो मैंने अपनी कुछ चीज़ें रख ली हैं, लाइक कोट वगैरह सब चीज़ रख ली है, अपनी आई कार्ड वगैरह, मैं अपनी फिलहाल चीज़ें रख लेता हूँ यहाँ पे। हमारा वैसा सामान जो लेके जाना है, कुछ लेके आए थे हम लोग। एक चीज़ जो पापा ने स्पेशली कहा था कि मुझे ये चीज़ लेके जानी है यहाँ से, वो मैं दिखाता हूँ। गाजर का हलवा ने मुझे ना बहुत कह दिया था कि कुछ भी करके आना आगरा से, बट गाजर का हलवा बनवा के लेके आना, तो वो बनवा दिया है। कल नानी ने गाजर छील दी थी, मम्मी ने घिस दी थी, बाकी मामी ने बाकी सारे काम कर दिए थे, बनाने वाले सारे काम, तीनों ने मिलकर बढ़िया तरीके से गाजर का हलवा बना दिया है। नानी अपना आराम कर रही है, ये अपने कॉलेज से आई है, मैडम टीवी देख रही है, इन्हें और भी काम नहीं, कॉलेज से नहीं ये मिल गया है आज, क्या लेके आई है। मामी और छुटकी हैं कॉलेज में, छुटकी का एक फंक्शन है तो वो उसको वहाँ पे ड्रॉप करने गई थी, फिर वहाँ पे उन्हें देखना भी था क्या फंक्शन है, तो ब्ला 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 जो भी है। ये ड्रेस है हमारी, जा रहा हूँ आज मैं बैक टू नोएडा। कुछ कहना चाहोगी, 2 शब्द? हाँ? क्या जो करना अभी करो, इसी वक्त करो। इसी वक्त करूं? सामने से हट ही नहीं रहे लोग, भाई जगह ही नहीं है, इतनी कम जगह पे चलाना पड़ रहा है ना, मुझे इतनी दिक्कत आ रही है। और ये सामने वाला हट जा भाई, मुझे निकलना है यहाँ से, कब तक भाई, मैं भाई इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और ये पता नहीं क्या, अरे 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 ये क्या हो रहा है, गिर गया। अरे ये भाई, अरे यार ये कैसे गिर गया भाई, कैसे गिर गया। बट यार वो तो मैं छोड़े आया उसे ऑटो वाले को पीछे, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था ना, और मतलब मेरे स्किल्स देखो आप, मैं कहते निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बट जगह ही नहीं दे रहा, बट मैंने ट्राई करा, मैंने कहा दिखाया अपने स्किल्स और निकल गया मेरे को, क्योंकि यार कब तक ही ऐसे होगा। और फिर क्या यार, मैं जगह ढूंढ रहा था कहाँ खड़ी करूँ, मामा की दुकान आ गई यहाँ पर, तो गली भी आने वाली है यार, पहले वाली में जाता ना फिर घूम के आना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने सोचा आगे वाली से चला जाता हूँ। मैं रात को देखने
तो हमने ना उस वाली दुकान से ली थी साड़ी, तो मम्मी इस वाली दुकान पे जाके छोड़ी थी रात में। दिना था मैंने ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ की वजह से मैं कर नहीं पाया था। तो बढ़िया दर्शन हो गए हैं, बिल्कुल ज़्यादा कोई भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी कल रात को भी कोई भीड़ नहीं थी, तब भी अच्छे दर्शन हो गए थे। और अभी भी मेरा क्या काम है कि मुझे जाना है घर, और हो सके अगर मैं किसी और रास्ते से जाऊँगा, कुछ खाने का मन किया तो कुछ खा के सीधे घर की तरफ जाऊँगा यार, क्योंकि लेट हो जाएगा ना, 1:30 बजे तक मुझे निकलना है। 12:30 बजे पहुँचा था मैं यहाँ पे। इतनी भीड़ नहीं है भाई साहब, इसमें भीड़ होती है 2:30 बजे के आसपास, उस टाइम पर ये मार्केट इतनी भीड़ वाला हो जाता है कि आप पूछो मत, मतलब समझ में नहीं आता, आधे आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। रात में क्या था, बिल्कुल शांत पड़ा था ये। ले लेने गया है पैसे थे नहीं उस पर बोले भाई, बहुत तीखा था पानी। तो हम निकल गए हैं मम्मी और मैं, सामान सारा रख लिया हमने अपने पास में। अब बस थोड़ा टाइम डिले हो गया, 2:30 बज गए अभी, 3 बजे वाली जहाँ तक बस मिलेगी, तो वैसे ही जल्दी पहुँचते हैं, 7:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे घर पे। 5 मिनट की देरी हुई है, 2 बस तो चली गई, अब हम उम्मीद कर रहे हैं और मिल जाए यार कोई, ढूंढने में लगे तब से, थोड़ा सा डिले हो गया ना, वरना मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करना पड़ेगा, वेट से बचा। बस है तो इतनी है, पर अपने काम की कोई नहीं है। कहते बस स्टेशन में इस बीडी में ही, तो जो है सामने वाली है यही है अपनी नोएडा जा रही 37, तो यही सी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फिर अब इसके बाद मैं वेट नहीं करूँगा यार, ये जा रही है अभी, तो अभी ठीक है, लगे हाथों मिल जाती है। मम्मी अपना बैग लेके, मैं अपना बैग लेके, बस तो पकड़ ली है हमने, मम्मी और मेरा सीट मिल गई है इधर वाली, हमने दूसरी रो वाली में कहते हम लास्ट वाली सीट पर बैठ गए थे, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई थी यार, तो इस बार हमने दूसरी वाली सीट पर बैठ ही गए। रीच कर दिया हमने नोएडा को, बट अभी हमारा ऑटो वाला आ रहा है तो हम उसका वेट कर रहे हैं, तो जितना भी टाइम लगेगा, 420 मीटर दूर है, तो लाइक वेट करते हैं उसका, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। इधर रुक गए हैं गोल्फ कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे ना, क्योंकि इधर हमारा बार बार वो लग जाती है ट्रैफिक लाइट, तो भीड़ हो जाती है, तो ऊबर वाला तो आया नहीं था, तो वेट करते करते आधा घंटा हो चुका था, हम लोगों ने ऐसा भैया जा रहे थे उनको ही पकड़ लिया, तो हमारा सारा सामान ये हम भाई अपने नोएडा में घर जाते समय। टू आर सोसाइटी ऊपर देखा हमने, बट कोई था नहीं एज एक्सपेक्टेड। हाँ भाई दोस्त लोगों, मैक्स से मिले तुम लोग, क्या कह रहा था? ताकि मैक्स का रिएक्शन देखता हूँ, क्योंकि मम्मी से मिलने का ज़्यादा बड़ा एक्साइटेड होगा वो। तो मैक्स और मम्मी मिला, अब मैक्स मैक्स भाई पागल हो गया, कहाँ चले गई थी, कहाँ चली गई थी उसकी मम्मी, कहाँ चले गए थे भैया, कहाँ चले गए थे भाई, भाई कहाँ चले गए थे सब लोग, हैं कहाँ चले गए थे? हाँ 1,00,000 व्यूज हो गए उसकी वीडियो पे भैया, हैं फेमस बॉय। अभी ढंग से प्यार कर लो उसे, आप समझ में नहीं आ रहा उसे। मेरा बेबी, अरे 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 सब चेक कर लेगा क्या तू, अरे एक जगह बैठ जा भाई, क्यूट है डॉगी। क्या यार तू शैतान, हर समय शैतानी के मूड में रहता है, शैतानी तो चलती रहेगी। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ यार, काफ़ी बड़ा हेक्टिक वाला दिन था, सुबह से भाग दौड़ और उसके बाद फिर आना। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, जो भी नए लोग आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं लाइक कमेंट करें, लाइक करें। सी यू गाइस, बाय।